हलो दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत दिनों से वीडियोज़ नहीं बनाई है और मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आ, उनके स्मार्टफोन में लॉक लग गया है तो आज ये जो वीडियो है वो मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए बनाया है जहाँ पे मैं एक ऐसे मेथड के बारे में बात करूँगा जहाँ पे आपको कंप्यूटर की हेल्प लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने इस तरह के पैटर्न लॉक पासवर्ड लॉक को घर बैठे ही चुटकियों में अनलॉक भी कर पाएंगे तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं जहां पे आपको बिना एनी कंप्यूटर और इस हैंडसेट का कोई भी डेटा बिना लॉस किए हम इसे अनलॉक आपको करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है तो ध्यान से देखिए जहाँ पे आप इसे सीख करके अपने घर बैठे मोबाइल को अनलॉक कर पाएंगे और यदि आपका मोबाइल लॉक नहीं भी है तो आपको ये सीखना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये आपको बहुत काम आने वाला है तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं ये जो हैंडसेट है ये एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और इस मेथड से आप दुनिया के किसी भी एंड्रॉयड को घर बैठे अनलॉक कर पाएंगे तो ऐसा मत समझिएगा कि ये रियलमी ओप्पो वीवो वन प्लस सैमसंग सौमी रेडमी पोको सोनी सैमसंग इन सारे कंपनियों में ये काम नहीं करेगा ये सारे कंपनियों में काम करता है ये कॉमन है और किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को यह अनलॉक करने के लिए काफ़ी है अब यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा है ये इसका लॉकिंग इंटरफेस अब यहाँ पे आप अपने हैंडसेट में पासवर्ड को डालते हो हो सकता है आपने यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे पैटर्न लॉक इस्तेमाल किया होगा वो मैटर नहीं करता कि आपने किस टाइप का यहाँ पर लॉक लगाया है लेकिन अनलॉकिंग का जो मेथड है वो सबके लिए कॉमन है तो चलिए अब उस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने हैंडसेट को घर बैठे अनलॉक कैसे करेंगे जब आप इसे अनलॉक करने के लिए इस तरह से ऊपर की तरफ स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होता है लेकिन जब आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके बाद भी आप यहाँ पर गलत पासवर्ड ट्राई करते हो फ्रेंड्स ऐसा सिर्फ आपको पाँच से दस बार ही करना है उससे ज़्यादा करेंगे उससे ज़्यादा ट्राई करेंगे तो आपका हैंडसेट को ऐसा लगेगा कि ये इस बंदे ने आ, मतलब इस फ़ोन को कोई और बंदा यूज कर रहा है इसे खोलने की कोशिश कर रहा है इस केस में आज का स्मार्टफोन जो कि रियल में बहुत स्मार्ट हो गया है वो इस हैंडसेट के डेटा को बचाने के लिए खुद एक डेड मोड में इंटर कर जाता है उसका जो प्रोसेसर है वो डेड मोड में चला जाता है तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है वरना आप अपने हैंडसेट से हाथ धो बैठोगे अब इस केस में कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है उसी से आप अपने हैंडसेट को घर बैठे अनलॉक कर पाओगे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जहाँ पे आप पासवर्ड इंटर करते हो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है इमरजेंसी कॉल इसे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपका इमरजेंसी कॉल्स ऑनली का ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से चलाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने हैंडसेट को ऑफलाइन मोड में लेकर जाना है तो उसके लिए यहाँ पे आप एक सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करेंगे और वो कोड आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली स्टार हैज फाइव सिक्स वन सिक्स वन स्टार वन टू डबल फाइव डबल वन एंड हैज आपको ये यह कोड यहाँ पे इंटर करना है अब इसके बाद आपको सिंपली इस कोड पे थ्री टाइम्स यहाँ पे कॉल करना है जब आप यहाँ पे कॉलिंग स्टार्ट करोगे आपको कॉल फील्ड का जो मैसेज मिलेगा आप इसे इग्नोर करते हुए ओके पे क्लिक कर देंगे इस तरह से आप इसे तीन बार कंटिन्यूअसली क्लिक कर देंगे तो आपका स्मार्टफोन डेड मोड मतलब सॉरी ऑफलाइन मोड में चला जाएगा अब आपका हैंडसेट जो है वो ऑफलाइन मोड में तो चला गया है लेकिन अभी भी आपके हैंडसेट में मास्टर अनलॉकिंग मोड अप्लाई नहीं किया गया है तो आपको अब यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग मोड को यहाँ पे अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक कोड है जिसे आपको यहाँ पे डालना होगा और वो कोड आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार हैच फाइव सिक्स नाइन सिक्स नाइन स्टार टू फाइव टू फाइव ज़ीरो एंड हैच और इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार कॉल करने के बाद आपको सिंपली इस कोड को हटाना है और डायल करना है स्टार हैच एट नाइन नाइन और हैच और जैसे ही आप यहाँ पे हैज वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे आपके सामने इंजीनियर मोड चलाएगा अब जब ये पेज आपके हैंडसेट में आ जाएगा तो समझ जाओ कि अब आपका मोबाइल अनलॉक होने ही वाला है उसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स जानने बहुत ज़रूरी हैं बहुत सारे लोगों को शायद इस पेज के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूँ हम अपने सर्विस सेंटर में इसी पेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि कस्टमर का मोबाइल का कोई भी डेटा लॉस ना हो पाए और नॉर्मली बड़े बड़े सर्विस सेंटरों में इस पेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि जब हैंडसेट uh, कस्टमर को दिया जाए तो उनका डेटा लॉस हो जाए जिससे कि कस्टमर को लगता है कि फोन पूरी तरह से नया होकर मिल रहा है तो यह सिर्फ एक भ्रम है आपको इससे दूर रहना है अब यहाँ पे आपको कौन से मेथड को अप्लाई करना है कर लो और यहां पे देखो एंड्रॉयड वर्जन आपका क्या दिखा रहा है जितना भी आपका यहां पे एंड्रॉयड वर्जन होगा उतने बार आप इसे यहां पे क्लिक करोगे यदि आपका दस है तो आप यहाँ पे दस बार क्लिक करो यदि आपका ग्यारह है तो ग्यारह करो बारह है तो बारह बार करो तो मैं इसे बारह बार क्लिक करता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अब इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना है अब बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर वर्जन जो है उसके जस्ट ऊपर दिखेगा आपको मैनुअल टेस्ट आप इसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लो अब इसके बाद आपको नंबर दो वाले पेज पे इस तरह से चले जाना है जिसका पेज का नाम होगा डिवाइस डबकिंग अब इस पेज पे आपको अपने हैंडसेट के सेंसर्स को आपको सिंक्रोनाइज करना है जैसे पिन पैटर्न पासवर्ड फेस लॉक फिंगरप्रिंट को आपको यहां पे सिंक्रोनाइजिंग कर देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा पे 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 जायरोस्कोप वाले ऑप्शन जो कि आप यहां पे देख सकते हैं इसे आपको क्लिक करना है और यहां पे इसके ग्राफ को आपको क्लिक करना है अब आप देखोगे एक्स वाई और जेड तीनों सेंसर्स आपस में यहां पे सिंक्रोनाइजिंग मोड पर चले गए हैं और इन्हें आपको तीन सेकेंड तक होने देना है अब जब आपको लगे कि तीन सेकंड हो गए हैं आप यहाँ पे बैक आ जाइए और नंबर थर्ड पे दिखेगा आपको डेटा डिस्प्ले आप इसे क्लिक करके ओपन कर दीजिएगा अब इस नंबर को जो कि यहां पे लाइन आपकी बनती जा रही है इसे आप थर्टी लाइन्स तक बनने दीजिए जब तक थर्टी लाइन्स आपका नहीं बनेगा आपको इस पेज से बैक नहीं करना है तो अब आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे थर्टी लाइन्स कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं थर्टी से ज्यादा भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं बैक आ जाइए फिर से बैक आ जाइए और अब यहां पे चलिए आप ऊपर ऊपर में एक ऑप्शन है सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन अब आपको यहीं से अपने पासवर्ड को कैलिब्रेट करना है उसके लिए इसे क्लिक करना होगा और यहां पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं आपके हैंडसेट में यहां तीन ऑप्शन भी दिख सकता है या एक ऑप्शन भी दिख सकता है जितने भी ऑप्शन दिखें सबको टच करना है और आपको देखना है यहां पे पास आया कि नहीं आया और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा एक यहां पे पास आ चुका है और एक ही पास की जरूरत है यदि इससे ज्यादा भी पास आ रहा है तो वेल एंड गुड नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है एक पास

फिंगरप्रिंट सेंसर सही है वो ख़राब नहीं हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आपको उसके पासवर्ड को आपको सिर्फ रीसेट करना है तो इससे तो हमें ये मालूम चल गया कि आपका जो हैंडसेट है वो सही है अब इसके बाद सबसे लास्ट वाले पेज अदर वाले पेज पे आपको पहुंच जाना है अब इस अदर वाले पेज पे आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप्स लेने हैं बस तीन और आपका हैंडसेट भी यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा अब यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर फाइव पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नाम है डेटा वर्जन सॉरी नंबर फोर पे ही दिख रहा है आप इसे यहाँ पे सेवन टाइम क्लिक करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और इसके बाद बस आपको लास्ट स्टेप लेना है आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा और वो लास्ट का स्टेप है रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर को क्लिक करना और आपको देखोगे यहां पे आपका जो पासवर्ड है वो यहां पे आपका रीसेट हो चुका है अब बस आपको इसे क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका हैंडसेट अनलॉक हुआ कि नहीं उस केस में आप सिंपली होम बटन को क्लिक कर दीजिए और आप देखोगे आपका हैंडसेट इस तरह से सक्सेसफुली अनलॉक भी हो जाएगा इस तरह से आप दुनिया के किसी भी एंड्रॉयड को घर बैठे अनलॉक कर सकते हैं यदि आपका हैंडसेट अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें ज्वाइन कर सकते हैं जैसी आप हमें ज्वाइन करेंगे हमारी टीम मेंबर आपको एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके आपके हैंडसेट को गारंटी के साथ दो से पांच मिनट के अंदर अनलॉक करके दे देगी तो आप एक बार ज्वाइन ऑप्शन को ट्राई जरूर कीजिएगा